गर्मी में जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग ठंडी हवा और शीतल जल की तलाश करते हैं। उस दौर में एक ऐसा भी प्राचार्य है जो अपने स्वयं के हाथों से पानी के टैंकर से पानी भरकर कॉलेज या एग्जाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए मटके भर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं खातेगांव शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अभय जैन की, क्योंकि इन दिनों विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा 3 पाली में परीक्षाएं 24 मार्च से संचालित की जा रही हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इमरजेंसी विद्युत सेवा के लिए जनरेटर, प्रकाश व्यवस्था के LED ट्यूबलाइट, हवा के लिए पंखे की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं ठंडा शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए शीतल जल हर कमरे के सामने उपलब्ध है। शासकीय महाविद्यालय में बड़ी परीक्षा थी, इस दौरान पानी की मोटर खराब हो गई। ऐसी स्थिति में तुरंत पानी की व्यवस्था के लिए प्राचार्य डॉक्टर जैन ने स्वयं मोर्चा संभाला। तुरंत नगर पंचायत से पानी का टैंकर बुलाकर कॉलेज में बच्चों के लिए अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ पानी के मटके भरे और बच्चों को शीतल जल उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि चूंकि इन दिनों सेवकों की भारी कमी है, कल चूंकि ज्यादा बड़ी परीक्षा होने से सब लोग अपने अपने कार्य पर लगे हुए थे, इस कारण मुझे बच्चों के लिए पानी भरना पड़ा। क्योंकि हम अपने घरों में भी परिवार के लिए पानी भरते हैं, तो यहाँ पर ही बेटे बेटी परीक्षा देने आ रहे हैं, वह भी बेटे बेटी के समान है, मैंने उनके लिए भी पानी जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके साथ भरा। हाथीगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।